जैन साथियों, आप सभी लोगों को पता होगा कि राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसके लिए आपकी तिथि भी तय कर दी गई है और पूरे भारत में प्रत्येक दो साल के बाद जो सदस्य आपके रिटायर होते हैं राज्यसभा से, उनकी जगह पे नए सदस्यों का चुनाव होता है। तो आज मैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, क्या होती है उसकी प्रणाली और कौन कौन से सदस्य इस बार राज्यसभा में जाके बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि संसद के दो सदन होते हैं, एक सदन होता है लोकसभा, दूसरा सदन होता है राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, इसके सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट आपके वोटिंग के माध्यम से होता है। जो राज्यसभा होता है उसको अपर हाउस कहते हैं और इनका चुनाव इनडायरेक्ट मेथड से होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, आज हम बात करें राज्यसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पंजाब के विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचा है और 92 सीट्स 117 में से वो पाई है। तो यानी कहने का मतलब है कि राज्यसभा में उनकी सीट और बढ़ेगी और उनके प्रतिनिधित्व बढ़ेगा आपका। अब उसी प्रतिनिधित्व के अंदर एक हमारे नौजवान नेता है, नाम क्या है, राघव चड्ढा। ये राघव चड्ढा आपके दिल्ली विधानसभा में राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से आपके विधायक है दिल्ली विधानसभा में। अब राघव चड्ढा के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारी आपके अरविंद केजरीवाल ने दी और उन्होंने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया। इसी के आधार पे उनको पंजाब में प्रभारी बनाया गया और उन्होंने वहां पे भी अपनी पार्टी के लिए ईमानदारी से काम किया। उसके पुरस्कार स्वरूप राज्यसभा में राघव चड्ढा को भेजा जा रहा है। लेकिन राघव चड्ढा को भेजा जा रहा है, ऐसे बहुत सारे सदस्य आपके जाएंगे राज्यसभा में, लेकिन असली बात यह है कि राघव चड्ढा जैसे ही इनका तय है आपके राज्यसभा में जाना, जैसे ही राज्यसभा के सदस्य बनेंगे एक रिकॉर्ड बना देंगे कि आज तक इतनी कम उम्र का कोई भी प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं गया है। मात्र 33 साल की उम्र में राघव चड्ढा राज्यसभा के सदस्य बनेंगे और जैसे ही सदस्य बनेंगे वैसे ही भारत में इतिहास बनेगा राज्यसभा में सबसे कम उम्र के प्रतिनिधित्व कौन है भाई, तो आंसर हो जाएगा राघव चड्ढा। ठीक है भाई, आम आदमी पार्टी। लेकिन इससे पहले भी मैरीकॉम 35 साल की, वो भी आपकी सदस्य रह चुकी। रीता व्रत बनर्जी ये भी 34 साल के, लेकिन राघव चड्ढा 33 साल की उम्र में राज्यसभा के क्या बनेंगे भाई, सदस्य बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब बात ये आ जाती है कि राज्यसभा है क्या, राज्यसभा का गठन कब किया गया था, राज्यसभा की क्या स्पेशलिटी है। तो 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा के गठन का ऐलान किया गया प्रथम आम चुनाव के बाद। ये एक तरीके से अस्थायी सदन है। इसका मतलब क्या है कि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक दो साल के बाद इनके सदस्य आपके एक तिहाई सदस्य आपके रिटायर होते हैं। इनके सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो 6 साल होता है और टोटल अधिकतम सीटें कितनी है राज्यसभा की, तो अधिकतम 250 सीटें हैं अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। टोटल 250 सीटें हैं जिसमें से 238 सीट आपके अलग अलग आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आता है और 12 सीटें जो होती हैं वो राष्ट्रपति क्या करता है, अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम करने वाले व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है। तो राज्यसभा के बारे में ये चीज आपको समझ में आई। मेन बात यह आता है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे किया जाता है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन वहां के आबादी के हिसाब से किया जाता है। संविधान की अनुसूची 4 के अनुसार जिस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की जितनी आबादी है उस आबादी के अनुपात में वहां पर राज्यसभा सीटों को आवंटित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी, क्षेत्रफल के आधार पर नहीं, पॉपुलेशन के आधार पर, आबादी के आधार, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं 31, उसके बाद महाराष्ट्र में 19, वेस्ट बंगाल और बिहार में 16, बहुत सारे ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां पे आबादी के अनुसार एक आपके राज्यसभा सीटें आवंटित करी गई है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या अधिकतम कितने होने चाहिए, 250, लेकिन अभी कितने है भाई, तो अभी मेरे प्यारे साथियों 245 है। टोटल अभी में वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 45 है। अब ये बात आता है कि इनका चुनाव कब होता है, तो प्रत्येक दो साल के बाद दो चीज होता है, प्रत्येक दो साल के बाद एक तिहाई सदस्य आपके रिटायर होते हैं और उन्हीं एक तिहाई सदस्यों के जगह पे नए सदस्यों का चुनाव होता है। तो जो रिटायर होते हैं उन्हीं खाली सीटों पर आपके राज्यसभा के चुनाव होते हैं।
लेकिन मेन बात यह है कि राज्यसभा की सीटों का के लिए जो चुनाव होता है वो चुनाव लोकसभा या विधानसभा के चुनाव से कैसे अलग होता है। मेन बात हमारा ये है, मेन मसला हमारा ये है, मैं आपको मैथमेटिकली भी इस चीज को बताऊंगा। इसमें कौन भाग लेता है, तो राज्यसभा के सांसद को चुनने के लिए कौन भाग लेगा, तो किसी भी राज्य या वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पे विधानसभा है उसके सदस्य, जिसको हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक बोलते हैं, वो आपके भाग लेते हैं। यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, विधान पार्षद होते हैं, वो भाग नहीं लेते। अब कैसे हम लोग निकालते हैं भाई, कैसे निकालते हैं कि एक राज्यसभा सांसद को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाने के लिए कितने आपके विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। तो एक फॉर्मूला होता है कि विधायकों की कुल संख्या अपॉन में खाली सीटें प्लस में वन प्लस में वन, ये आपका होता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। जैसे महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूं, महाराष्ट्र में टोटल आपके कितनी राज्यसभा, मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं ये बोल नहीं रहा हूं कि यहां पर चुनाव होगा। महाराष्ट्र में मान लीजिए कि 7 आपकी सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव होने हैं और टोटल यहां पे विधायकों की संख्या कितनी है, 288। तो आइए हम निकालते हैं फॉर्मूला के माध्यम से कि एक राज्यसभा सांसद चुने जाने के लिए महाराष्ट्र के कितने विधायकों की आपके समर्थन की जरूरत होगी, तब जाके वो राज्यसभा सांसद बन सकते हैं। तो देख लीजिए टोटल कितनी हुई, 7 सीटें खाली है। टोटल कितनी सीटें खाली है, 7 सीटें खाली है। तो पहला प्रोसेस क्या होगा कि जितनी सीटें खाली हैं उसमें एक आप जोड़ दीजिए, तो 7 सीट खाली है, एक जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है भाई, अब क्या करना है कि 8 से टोटल जो विधानसभा की सीटें हैं उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। आपने डिवाइड कर दिया, आंसर क्या हो गया, 36। और फिर लास्ट में एक आपको जोड़ देना है, तो कितना हो गया, 37। यानी अगर एक राज्यसभा का सांसद महाराष्ट्र में बनाया जाना है तो उसके लिए कितने आपके विधायकों के समर्थन की जरूरत है, 37 विधायक अगर उसको प्रथम वरीयता के रूप में चुनेंगे तब वो व्यक्ति आपके राज्यसभा का सांसद बन पाएगा। अगर इससे कम समर्थन मिलता है तो वो नहीं बन पाएगा। नॉमिनेशन कोई भी कर सकता है, 35 साल से ऊपर के होने चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए भाई, ठीक है भाई, और आप भारत के नागरिक होने चाहिए, कोई भी आपके कर सकता है नॉमिनेशन। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि महाराष्ट्र से एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। अब हम लोग अभी ऐसे नहीं, अभी मैं और आपको एग्जांपल बताऊंगा। अब हम लोग आ जाते हैं कहां पे भाई, पंजाब में आ जाते हैं। पंजाब में टोटल आपकी कितनी सीट के लिए राज्यसभा के लिए चुनाव होने भाई, टोटल 5 सीट के लिए। तो पहले ही आप क्या कर देंगे, 5 में एक आप जोड़ देंगे, यानी कितना हो गया, 6। अब क्या करेंगे कि इस 6 से किसको डिवाइड करेंगे, इस 6 से 117 को डिवाइड करेंगे, इस 6 से 117 को डिवाइड करेंगे, यानी कितना हो गया भाई, अगर हम इसको बोले एक बार में 11 में से 6 गया 5, उसके बाद कितना हो गया, 6 9 54 हो गया, 7 में से 4 गया 3, 6 25 30, यानी 19.5। यानी एक तरीके से हम इसको क्या मान सकते हैं कि 20 हो गया, 19.5 हो गया, इसको एग्जैक्ट हम मान के चलते हैं। अब इस 19.5 में क्या कर देंगे, हम एक को जोड़ देंगे, यानी कितना हो गया भाई, 20.5 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 21 हो गया, एक तरीके से इसको मान लीजिए कितना हो गया भाई, 21 हो गया। अब पीछे आए, मैंने आपको यही चरण बताया था, क्या करना है कि जितनी खाली सीटें हैं उसमें एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ने के बाद टोटल आपकी जो विधानसभा की सीटें हैं उससे उसको डिवाइड कर दीजिए और फिर आप एक जोड़ दीजिए। मैंने यहीं पे काम किया कि नहीं, टोटल कितनी खाली सीटें थी, 5, एक जोड़ दिया कितना हो गया, 6, उस 6 से हमने डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया भाई, तो 6 कम 6, 11 में से 6 गया 5, 57 हो गया, और 6 9 54, 7 में से 4 गया 3, यानी सीधे तौर पर 19.5। फिर मैंने क्या बोला कि लास्ट में भी आपको एक जोड़ना है, तो 20.5, यानी 21 विधायक। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधे तौर पे हो गया कि पंजाब में अगर एक राज्यसभा सांसद आपका बनेगा तो उसके लिए आपके 21 विधायकों का समर्थन चाहिए, यानी 21 विधायक उसको प्रथम वरीयता के रूप में चुनेंगे, तब जाके क्या बनेगा, आपका राज्यसभा सांसद बनेगा। अब देखो, अब चुनाव हुआ इस बार 117, पंजाब के मुख्यमंत्री बने भगवंत मान, और आम आदमी पार्टी की टोटल आपकी कितनी सीटें हैं, 92 सीटें, टोटल कितनी सीटें हैं, 92 सीटें, यानी इसकी टोटल, अब देखो भाई 21 गुणे 4 अगर करोगे तो 1
वन इंटू वन फोर जा फोर, टू फोर जा एट, 84। यानी कहने का मतलब है कि उसके 84 विधायक चार राज्यसभा सांसदों को निर्विरोध चुन सकते हैं, उनमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं। तो इसीलिए चार यहां से राज्यसभा सांसद के लिए उम्मीदवार अपने तय किए हैं, जिसमें संजीव पाठक का नाम है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर का नाम है, हरभजन सिंह का नाम है, राघव चड्ढा का नाम है। यानी 84 तो हो गया, अब कांग्रेस के कितने विधायक है, 18, और मिनिमम 21 विधायक चाहिए तब कांग्रेस अपना एक राज्यसभा सांसद, तो कांग्रेस के पास तो है ही नहीं। तो ये आपका अगर पंजाब में राज्यसभा सांसद बनना है तो उसके लिए मिनिमम 21 विधायकों का समर्थन। अब चलो उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल राज्यसभा सीटें कितनी है, 31। मान लीजिए कि 31 सीटें आपकी खाली होगी, तो 31 + 1 कितना हो गया, 32। अब क्या करेंगे, 403 को 32 से डिवाइड करेंगे। आप करिए भाई, 403 को 32 से डिवाइड करिए, एक बार में गया तो कितना हो गया, 8 हो गया भाई, 83 हो गया। अब 2 + 3 = 6, 3 + 3 = 9, यानी दो बार में जाएगा, यानी 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, यानी 13 में से 4 गया, कितना हो गया, 9 हो गया, 7 में से 6 गया, 1 हो गया, यानी 0.1। यानी एक तरीके से हम इसको मान लेते हैं 12, तो 12 + 1 यानी टोटल कितने विधायकों की जरूरत पड़ेगी, तो टोटल आपके 13 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। अगर कब, जब 31 सीटें खाली हो जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं, कुछ सीटें खाली होगा, तो आपको राज्यसभा में सांसद चुने के लिए जहां से भी वो चुने जा रहे हैं, जिस आपके राज्य से, जिस केंद्र शासित प्रदेश से, तो कितने विधायकों का समर्थन चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलो भाई आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। अब वोटिंग कैसे होता है, तब प्रत्येक विधायक का वोट केवल और केवल एक बार ही काउंट किया जाता है, एक विधायक का एक बार काउंट किया जाता है, और वो सारी सीट के लिए वोट नहीं कर सकता है, उसको चुनाव के दौरान प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी, क्योंकि वरीयता क्रम में कि पहला पसंद उसका कौन है, दूसरा पसंद, तो पहली पसंद के वोट जिसे ज्यादा मिलेंगे उसी उम्मीदवार को आपके जीता हुआ माना जाएगा और राज्यसभा का क्या बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा। तो ये मैंने कोशिश करी आपको बताने के लिए, ये मैंने आपको बताया था। और राज्यसभा अस्थायी सदन है, और इसके सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, यानी वेंकैया नायडू वर्तमान में। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आज के बाद से राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार के अपडेट को जानने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, आज ही ज्वाइन करें टीम प्रबल, GK GS प्रबल सर को आज ही आप लोग सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।